भारत सरकार के कानून से भारत सरकार का जमीन है, बिहार सरकार कहती है कि मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड कहती है मेरा जमीन है, किसान कहती है मेरा जमीन है, फसल को रोक दिया है, इस बार फसल धान कैसे उपजाए? तो प्रशासन, इसी प्रशासन मधुबनी जिला में डीएम साहब के सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन नहीं है, यहाँ खोले आजाद हिंदू मुस्लिम सब पर खोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी का बड़बोला विधायक बचौल सीधे चुनौती दे रहे हैं कि हम बिस्फी के इलाके में, कमतौल के इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने नहीं देंगे। दूसरे गांव में क्या नहीं बनाया, ये जहां मुस्लिम भाई की आबादी बना दे उसी में, यहां चारों तरफ 300 वोटर है मुसलमान भाई, यहां खाने पीने रहने सहने सब में विवाद है। इतना दंगा ये बलवाई लोग है, सुन ले, धर्म विशेष के खिलाफ अगर नफरत की बात अगर बोलोगे तो बिहार की आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत सरकार का जो कानून है उस हिसाब से यह जमीन भारत सरकार का, पहले तो जमीन तय हो, फसल किसानों का 15-15 पानी देकर के फसल किसान उपजाया है, ट्रैक्टर चला दिया, मिट्टी में मिला दिया, जाकर के देखिए, यही हमारी मांग है। किसके आदेश पर यह निर्माण किया जा रहा था? अब जिसके आदेश पर किया जाए, हम जनता के आदेश, इस देश की मालिक जनता है, जनता के हिसाब से किसका जमीन है ये हमारा, हम तो अपने कंफ्यूज हैं, लेकिन अभी ये जमीन जिसको पर्चा है उसका है, उसका किसान का जमीन, जो सरकारें पर्चा दिए हुए हम नहीं दिए, नहीं समझे। लेकिन कल जब मैं डीएम साहब से मिलने गया था तो डीएम साहब कहे बिहार सरकार का है, लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से ये भारत सरकार कह सकती है कि मेरा है, वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड भी है, ये बात है। सर, 2 साल तक इसका कागज, जो जानकारी उस दिन ठेकेदार से बात हुई, 2 साल तक हाउस में इसका कागज लटका हुआ था, और उस दौरान विभाग के पर दबाव बना के इसको कैंसिल करवा सकते थे आप, लेकिन फिर आज निर्माण की नौबत ही क्यों आई? सो हमको नहीं पता था जब विभाग में है क्या ठेकेदार की बात, ठेकेदार कैसा होता है तो नहीं जानते हैं, ठेकेदार तो लुटने के लिए आया है, ठेकेदार दूसरे गांव में क्या नहीं बनाया, ये जहां मुस्लिम भाई की आबादी है बना दे उसी में, बना दे जहां मुस्लिम भाई की आबादी है वहां बना दे, यहां चारों तरफ 300 वोटर है मुसलमान भाई, यहां खाने पीने रहने सहने सब में विवाद है, डेली हमार होगा। और फिर सरकार पट्टा क्यों दी, तो पट्टा अधिग्रहण करे, जमीन पैसा दे सरकार किसान का, सरकार एक तरफ गरीबों को दे दी जमीन, पट्टा कागज दे दी, रसीद कटाता है किसान। फिलहाल निर्माण काम पर क्या प्रशासन क्या आश्वासन दिया? अब जो करे प्रशासन, प्रशासन कहा है जी देखेंगे, हमारे मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और माननीय मुख्य उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, अभी वो कहे हैं जो आप देख लीजिए, सोमवार को आकर के दरखास्त दीजिए, ये लड़ाई हम लोग कोर्ट में भी लगाएंगे। क्या नाम है सर? हरिभूषण ठाकुर बचौल, सत्येचक सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधानसभा। थैंक यू सर। आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों का मांग है? देखिए, यहाँ एक अल्पसंख्यक स्कूल और हॉस्टल खुलने वाला है, ये जमीन किसान को, इसमें दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं, सरकार पर्चा दिए हुए गरीब को, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ 10 फीट पानी रहता है। नंबर तीन, अल्पसंख्यक बहुत जगह बनेगा ना, खान पान को लेकर के, कुछ को लेकर के डेली यहाँ मार होगा, यहाँ मात्र 300 वोटर हैं और चारों बगल बहुसंख्यक की आबादी है, तो ये पैसा को खाने पीने के लिए। और तीसरा, भारत सरकार के कानून से भारत सरकार का जमीन है, बिहार सरकार कहती है कि मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड कहती है मेरा जमीन है, किसान कहती है मेरा जमीन है, फसल को रोक दिया है, इस बार फसल धान कैसे उपजाए? तो प्रशासन, इसी प्रशासन मधुबनी जिला में डीएम साहब के सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन नहीं है, यहाँ खोले आजाद हिंदू मुस्लिम सब पर खोले, केवल रुपया घोटाला करने के लिए 10 फीट पानी रहता है, 6 महीना बंद रहेगा, ये प्रशासन इसके विरुद्ध में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी का बड़बोला विधायक बचौल सीधे चुनौती दे रहे हैं
कि हम बिस्फी के इलाके में, कमतौल के इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने नहीं देंगे। टेंडर भी हो गया, सामग्री भी गिरी, लेकिन बड़बड़ो और मन चलो उपद्रवियों को लेकर के वहां पहुंच करके काम को रोक लगवा दिया, शासन को ठेंगा दिखाया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को भी ठेंगा दिखा रहे, मुख्यमंत्री जी को भी ठेंगा दिखा रहे। बचौल जी, एक बात कान खोल करके जितना दंगा ये बलवाई लोग है सुन ले, धर्म विशेष के खिलाफ अगर नफरत की बात अगर बोलोगे तो बिहार की आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खुली चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक और मुसलमान के लिए बनाए जाने वाले शिक्षण संस्थान पर अगर वो कड़ी रोशनी डालोगे तो उस रोशनी को छीन लिया जाएगा। ये देश सबों का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, किसी की जागीर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या बेबसी है, क्या मजबूरी है, क्या आप कहते हैं कि हम इस कार्य योजना को लागू करेंगे जो निर्णय तेजस्वी जी के समय और रहते भर में 17 महीना में हुआ था, मुसलमानों के अतिम बच्चों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय, वह भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये जमीन बचौल जी के पुस्तैनी और खानदानी नहीं है। इस तरह के हरकतों पर मुख्यमंत्री जी विराम लगा है। राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों के खिलाफ घृणित मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे कोई धर्म के खिलाफ कोई मानसिकता रखेगा, राष्ट्रीय जनता दल गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखता है, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता है।